बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। अच्छा नुसर साहब, आपने तो अपना रांझा राजी कर लिया, जो कुछ आपने डिस्कस करना। अब मैं कुछ कहूँ, कल मैं गया था, आपको पता है कामरेड सिंधारी कमेटी के सदर जो हैं, कामरेड जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कल हमने सिंध में पानी का मसला, स्कूल का मसला उठाया। वहाँ पे एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक प्रोटेस्ट कैंप भी था, मैं वहाँ पर गया, कुछ नौजवान वहाँ पे बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पहले भी उन्होंने बड़ा तवील प्रोटेस्ट किया, वो कुछ अपने मसाइल बता रहे थे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो थोड़ा सा ज़रूर ज़रूर भाई, ज़ाहिर है लोगों का प्रोटेस्ट है तो वाई नॉट। जिस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक और एहतजाजी कैंप के सामने खड़े हैं, और ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कैंप है ये, और ये ख़ास करके इनका मुतालबा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका, कि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो किलिंग्स हो रही है एक ख़ास सेक्ट की, तो वो यहाँ पर एहतजाज के लिए बैठे हैं ताकि ये मसला हाईलाइट हो। हम कैंप के अंदर जो नौजवान बैठे हैं इस वक्त, वो सारे ही तकरीबन नौजवान हैं, और इनसे पूछेंगे कि वो क्यों बैठे हैं और उनके मकासद क्या हैं। जी, सबसे पहले तो आज टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को हाईलाइट किया। बेसिकली यहाँ पे हम दोस्तों के बैठने का मकसद मुल्क भर में जो दहशतगर्दी है उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करना है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मुल्क पाकिस्तान में 2001 के बाद इन पर्टिकुलर और इससे पहले इन जनरल बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी ने घेर लिया है, जिसमें खसूसन शिया जो इस मुल्क का फितरी दिफा है, इस मुल्क के जितने भी बॉर्डर्स हैं, मसलन कोटा है, पारा चनार है, गिलगित बल्तिस्तान है, उन सब पे शिया ने पाकिस्तान मौजूद हैं। अब शिया और सुन्नी ने मिलकर पाकिस्तान हासिल किया था, लेकिन कुछ बैरूनी अनासर जिनमें पर्टिकुलरली अमेरिका और इसराइल, इंडिया भी किसी हद तक इन्वॉल्व है, उनकी वजह से पाकिस्तान में शिया सुन्नी रिफ्ट पैदा कर दी गई। आप ये क्यों कहते हैं अमेरिका को क्या ज़रूरत है? आप इस हकीकत को क्यों नहीं मानते कि ये मसला हमारा अपना? हम क्यों अपनी बातें जो है ना, कभी अमेरिका के कभी इंडिया के, हम उन लोगों को रास्ता दे देते हैं कि अच्छा जी ठीक है, हम पे ना सोचें और ये हनूद और यहूद की साजिश है, हम अपने अंदर क्यों नहीं देखते? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब जो इंस्ट्रूमेंट या टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं, जो लोग इस्तेमाल होते हैं, वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसके पीछे जो फिक्र है, जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है, उस फिक्र को प्रमोट करने में जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है, जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल होती है, जो एक माइंड सेट इस्तेमाल होता है, वो किसी भी सूरत मुसलमानों का नहीं है। अच्छा जी, आप बताएं कि आप करीब आ जाएं, आप बताएं कि क्या आपके मुतालबात हैं और क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा रियासत है, हुकूमत है, जिसने हमारे आपके पाकिस्तान के शहरी के जानो माल के तहफ़ के लिए बाकायदा आइन के ऊपर कसम खा रखी है, ये क्यों नाकाम हुए? रोना तो इसी बात का है कि सबसे ज़्यादा यही लोग नाकाम हुए हैं। जैसा कि आपको पहले पता होगा, आप लोगों ने खुद भी प्रोग्राम किया था, हमारा कैंप साने कोहिस्तान के बाद पार्लियामेंट के सामने लगा था, उस वक्त भी हम यही वावेला मचा रहे थे कि साने इजलास के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से साने कोहिस्तान के बाद नहीं हुई तो साने इजलास रोनुमा हुआ। अब उन दोनों वाक़ात के बाद फिर भी गवर्नमेंट को होश नहीं आया, वज़ीर दाखिला साहब आते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं, वो वज़ीर आला का नाम देते हैं, वज़ीर आला के पास जाते हैं, वज़ीर आला वफाक का नाम लेते हैं कि हम तो डमी सी हुकूमत है। कैसे ख़त्म कैसे होगा ये सिलसिला, और आपका एहतजाज कैसे ख़त्म होगा, मुल्क में ये हालात कैसे ठीक होंगे? ख़त्म तो ये है कि हमें बहसीत तो कौम उठना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को उठना पड़ेगा, ये फिरकावारियत कोई नहीं है, फिरकावारियत को शोर मचाया हुआ लोगों ने, वैसे ही ये एक मुल्क के निज़ाम को ख़राब करने के लिए, फिरकावारियत यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई शिया सुनी एक दूसरे के दस्तों गरेबा कोई नहीं है, ना आप गिलगित के हालात देख लें, वहाँ पर कोई शिया सुनी महाजारा ही कोई नहीं है, वहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट किलिंग हो रही है एक फ़िरके की, तो ये आप इसको फिरकावारियत ना कहें, इसको आप मुनज़्ज़म दहशतगर्दी कहें, और जो दहशतगर्द हैं उनको पकड़ें, कैफर किरदार तक पहुँचाएं। चीफ जस्टिस साहब हर चीज़ का समोटो लेते हैं, लेकिन पता नहीं इस मामले में इन्हें क्या हो जाता है, ये कोई फिरकावारियत नहीं है, ये दहशतगर्दी है सरासर मुल्क के खिलाफ। अच्छा जी, हाँ तो बहसियत कौम उठना होगा, ये वैसे मैसेज था जो वो जो तुम्हारा सवाल है ना, वो बहुत ही बुनियादी सवाल है कि हम हर चीज में हम लोग रियासत के तौर पर जो नाकाम हो रहे हैं, और मुआशरे के तौर पर ये हमारी इज्तमाई नाकामी है, और इस पे दूसरों को ज़िम्मेदार करार देकर हम जान नहीं छोड़ा सकते। बुनियादी तौर पर एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी रियासत और हुकूमत की नाअहली और नाकामी है, लेकिन इसके अलावा मुश्ताक साहब, ये काफ़ी हद तक मुआशरे की भी नाकामी है कि इसमें वो मोहब्बत और वो इकाई नहीं रही जो कि होनी चाहिए। देखें, रियासत नाकाम, हुकूमत नाकाम, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि ये जो नौजवान जिससे मैंने बात की, उसकी एक बात मुझे अच्छी लगी, और उसी पे मैं अपने इस प्रोग्राम को क्लोज़ कर रहा हूं, ख़त्म कर रहा हूं, इख्तिताम कर रहा हूं, कि हमें
इस सारी बात को सिर्फ बहसियत कौम हमें उठना होगा, तभी जाके ये ख़त्म होगा, तभी अमन और सुकून होगा। नाज़रीन से चाहते हैं इजाज़त, जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस बोलता पाकिस्तान @और.tv। नुसर जावेद और मुश्ताक विनास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।